हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि पिछले वीडियो में कि बिहार बीपीएससी टीचर के लिए जो पेपर वन जीएस वाला क्वेश्चन था उसको हमने अपलोड कर दिया है, तो जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के देखिए। और इस वाले वीडियो में हम पार्ट टू, जो कि 26/8/2023 को एग्ज़ाम हुआ है, उसका पार्ट टू जो सोशल साइंस का क्वेश्चन है, जिसमें कि हिस्ट्री होंगे, ज्योग्राफी होंगे, इकोनॉमिक्स होंगे और पॉलिटिकल साइंस होंगे, तो उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक का 40-40 क्वेश्चंस होगा। आइए देख लेते हैं एक बार फटाफट हम लोग। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर प्रमुख का नाम क्या है, प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिम एशिया के से व्यापारिक संबंध था। देखिए, तो रोपड़ और कालीबंगन, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ये दोनों थे। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है, तो सबका पता होगा कि 1028 सूक्त हैं, तो राइट आंसर ई हो जाएगा यहाँ पर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति जो है किस धातु की बनी हुई है, तो वो कांसे की बनी हुई है। किराट अर्जुनीय युद्ध किसने लिखा था, तो भारवी ने लिखा था, इसमें से कोई सही नहीं है, राइट आंसर ई हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की पूजा के प्रमाण मिले हैं, देखिए जो आपका ये कुबड़दार बैल तो सही है, साथ ही ऑक्सन एनिमल्स का भी नाम है। ऑक्सन का मतलब होता है जैसे उसमें ऑक्स भी आ जाते हैं, काऊ भी आ जाते हैं। तो देखिए, ये वाला तो कम्प्लीटली सही है, हालांकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि गाय की पूजा होती थी कि नहीं, लेकिन गाय के बारे में अवेयर थे, तो इस क्वेश्चन में जिसने ये टिक किया है तो उसके चांसेज हैं कि आपको मैक्सिमम सही होंगे। वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ क्या होता था, तो दुर्ग होता था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं, तो तक्षण ऋग्वेद का क्या मतलब होता था, तो कारपेंटर होता था, ठीक है। दोस्तों, हाउ मैनी मेजर कार्प चैप्टर्स इज कौटिल्याज अर्थशास्त्र डिवाइडेड, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र को 15 भागों में बांटा गया, तो कोई भी ऑप्शन सही है ना, राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑफ विच मेटल वाज द ककानी क्वाइंस मेड इन मौर्यन पीरियड, तो वो आपका कॉपर के बने होते थे, कास्ट कॉपर एक्चुअली के बने होते थे वो। विच डेट इल्तुतमिश अपॉइंट एज हिज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, तो वो मलिक जानी को नियुक्त किया था, कोई ऑप्शन इसमें से सही नहीं है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। बाय हुम वाज द वर्ल्ड फर्स्ट रिपब्लिक इस्टेब्लिश्ड इन वैशाली, तो जो लिच्छवी कला थी दोस्तों, उनके द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था, तो इनमें से कोई लिच्छवी कला नहीं है, ये मौर्यन अलग थे, नंदाज अलग थे, गुप्ताज अलग थे, तो जो वैशाली में रिपब्लिक एस्टैब्लिश किया गया था वो लिच्छवी था, और लिच्छवी में लिच्छवी कला के जो लोग थे उन्होंने एस्टैब्लिश किया था, तो राइट आंसर ई हो जाना चाहिए। वेयर वाज द फील्ड एरिया ऑफ बिरसा मुंडा, तो वो रांची के थे, रांची के आसपास उन्होंने विद्रोह किया था, राइट, ये हो गया। आगे बढ़ेंगे, तो हु वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम बिहार, तो वीर कुंवर सिंह थे, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा आपका। इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मदद ए मास वाज रिलेटेड विद, तो मदद ए मास क्या होता था, रेवेन्यू फ्री लैंड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, ये होता था। नेम द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगधा, तो सबको पता होगा कि राजगिरी था ये। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पूना एग्रीमेंट, तो स्पेशल राइट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दलित क्लास देना था, ये था मतलब। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज मेंशंस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा, देखिए मेनली जिसका आंसर होना चाहिए वो इंडिका होना चाहिए, राइट, बाकी अर्थशास्त्र में तो मेंशन था ही, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इंडिका पहला था। हु कंस्ट्रक्टेड जंतर मंतर, तो देखिए जंतर मंतर दिल्ली और जयपुर दोनों में है, दोनों में सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनाया था, राइट, तो आंसर इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, सवाई जयसिंह ने बनवाया था। वंदे मातरम किसने लिखा, तो वंदे मातरम सबको पता है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। वाई इज द 4th July 1776 टू बी इम्पॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ USA, तो क्या हुआ, तो डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस हुआ था इस दिन। क्रिस्टोफर कोलंबस द ग्रेट एक्सप्लोरर हु डिस्कवर्ड अमेरिकन इन 1992 वाज फाइनेंस्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो वो स्पेन फाइनेंस करता था इनको, इसका राइट आंसर लुई सोलहवा हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति किस में वहाँ का राजा था, लुई सोलहवा। बोस्टन टी पार्टी चाय की घटना, ये अमेरिकन रिवोल्यूशन का ये घटना है, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस।
ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन द कॉटन टेक्सटाइल सेक्टर वाज रिवोल्यूशनाइज्ड बाय स्पिनिंग जेनी विच इज डिस्कवर्ड बाय द जेम्स हारग्रेव्स नॉट डिस्कवर्ड इन्वेंटेड बाय। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25। तो 1831 में यंग इटली मूवमेंट जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो देखिए ये मेजनी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, राइट आंसर ई हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी, तो वो जेम्सटाउन थी, राइट। जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौह की नीति पर विश्वास करता था, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ऑटो वान बिस्मार्क। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है, तो यह फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27। द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था, तो कोई भी उपयुक्त कारण नहीं था, जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया था जिसकी वजह से अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करना पड़ा था। मित्र राष्ट्रों ने सेवरेस की संधि किस देश के साथ करी थी, तो सेवरे की संधि एक्चुअली टर्की के साथ हुआ था, ऑटोमन अम्पायर के साथ हुआ था, उसमें जर्मनी भी सम्मिलित था दोस्तों, तो मेनली वो टर्की सम्राट के अंतर्गत हुआ सेवरेस, जर्मनी भी इसमें इंक्लूडेड था, आप देख लेंगे इसको अच्छे से। जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहां का शासक कौन था, तो कुबलई खान था। 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो फ्लाइंग शटल 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जॉन के थे ये। क्वेश्चन नंबर 33। किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी, तो वेस्टफेलिया की संधि के तहत। महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालय भूल कहा था, तो चौरा चौरी कांड को कहा था। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो ऑरलैंडो ने किया था। चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी, तो ये थी कल्पना दत्त, एक कल्पना दत्त थी। कुंवर वैंकूवर जाने के लिए कोमागाटा मारू जहाज किराया पर किसने लिया था, तो सही उत्तर इसका है दोस्तों गुरदीत सिंह, तो इसमें से कोई सही नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। इनमें से कौन क्रांतिकारी का कोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं थे, तो प्रफुल्ल चाकी नहीं थे। सोर कमेटी की स्थापना से संबंधित नहीं है, तो बलवंत इसमें क्या हो जाएगा, भगवान सिंह हो जाएगा, 36 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, भगवान सिंह नहीं थे। 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित किया गया था, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से ज्योग्राफी शुरू होता है, तो आइए देख लेते हैं वल्नरेबल स्पीसीज इन इंडिया। देखिए ये तीनों स्पीसीज इंडेंजर्ड है इंडिया में। अब वल्नरेबल का मतलब क्या पूछता है, क्या वो IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार है, या ऐसे ही पूछ रहा है कि जिन पे खतरा आता है उनको वल्नरेबल। अगर IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार अगर देखेंगे तो इनमें से कोई भी वल्नरेबल नहीं है, सभी इंडेंजर्ड है, तो उसके अनुसार राइट आंसर ई हो जाएगा। सरदार सरोवर डैम कवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। मेजर फैक्टर फॉर द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन इंडिया इज एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल, बेसिकली बढ़ता हुआ पॉपुलेशन है सबसे बड़ा कारण, तो पॉपुलेशन को जिंदा रखने के लिए आपको खेती को बढ़ाना पड़ेगा, तो इसीलिए ऑप्शन ए होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द रिवर वैली प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड्स फेल्ड एंड इनस्टेड ट्रिगर्ड फ्लड बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव सेडिमेंट्स इन द रिजर्वोयर, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। डेवलपिंग न्यू मेथड्स ऑफ द इकोलॉजिकल फार्मिंग थ्रू ट्रेडिशनल मेथड इज प्रोमोटेड बाई, देखिए बीज बचाओ आंदोलन भी यही करता है और नौदन ने भी यही कहता है, आपने सुना होगा कि 9 बीजों का एक संग्रह एक बक्से में करते हैं लोग, ऐसे करके 9 बीजों का संग्रह, उसको नौदन ने कहा जाता है, तो ये दोनों तो सही है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया दैट मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी थ्रू लीगल नॉर्म्स वाज, तो ये तमिलनाडु था, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो एज पर द एग्रीकल्चरल रिपोर्ट 2017 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट, तो 2017 के अनुसार वो भारत जो था सुगर केन, इसका राइट आंसर होना चाहिए। जो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द खरीफ क्रॉप, तो देखिए खरीफ क्रॉप का एग्जांपल इसमें मेज है। द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर वाज क्रिएशन ऑफ ग्रामीण बैंक्स। Which crop take almost a year to grow?
तो कोई नहीं लेता है। एक्चुअली आपको पता होगा कि सुगर केन जो है वो 1 साल लेता है ग्रो करने में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ई होना चाहिए। कोडरमा इन झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स, तो माइका इसका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे तो द नेशनल हाईवेज आर लेड एंड मेंटेन्ड बाई, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहाए जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन वो देखती है। द ओनली इंडस्ट्री इन इंडिया विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कम्प्लीट इन वैल्यू चेन इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। राइट दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट 2016-17 इंडिया रैंक्स इन द वर्ल्ड इन इंटरनेशनल टूरिज्म, तो कोई भी सही नहीं है। उस समय 13वें पोजिशन पे थी भारत। राइट आंसर ई हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द, आपको ऑप्शन चूज करना है। देखिए मैक्सिको में मिल्पा पाए जाते हैं, ठीक है, तो आप देख लीजिए ए का टू एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर सी। आगे करने की ज़रूरत नहीं है आपको, इतने से आप आगे करके पढ़ सकते हैं। एलोवियल सॉयल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एज, व्हाट इज द नेम गिवन टू द न्यू एलोवियल सॉयल, तो उसको हम खादर कहते हैं, बैंगर को पुराना एलोवियल सॉयल कहते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉयल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, तो आपको पता होगा कि ब्लैक सॉयल होता है। भूदान ग्रामदान मूवमेंट ऑल्सो नोन एज द ब्रॉडलेस रिवोल्यूशन, ये विनोबा भावे ने शुरू किया था। विच प्लेस इन इंडिया रिसीव्स द हाइएस्ट रेनफॉल, तो मौसिन राम हो जाएगा। द स्पार्कल इन सम टूथपेस्ट कम्स फ्रॉम विच मिनरल, तो ये हो जाएगा आपका माइका की वजह से। ठीक है दोस्तों 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा, माइका। आगे बढ़ेंगे, चलिए अब थोड़ा सा हिंदी वाला पार्ट कर लेते हैं। कई लोग बोर हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि इंग्लिश में क्यों करना शुरू कर दिए। बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है, तो बरौनी है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था, तो कांडला को बनाया गया था, ये गुजरात में पड़ता है, याद रखेंगे। तो भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम और उसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO प्रमाणन है, तो NTPC है ये। झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और निक्षेप के मामले में समृद्ध है, तो राइट आंसर कोयला हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वे शहर शामिल है, तो दिल्ली कलकत्ता मुंबई और चेन्नई। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो चीन है। आगे बढ़ेंगे तो भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1952 में लागू किया गया था। सोन नदी किस नगर से होकर के बहती है, सीन नदी है, नॉट सोन नदी, सीन नदी आपका पेरिस से बहती है, तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। एल्यूमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है, तो सबको पता होगा कि बॉक्साइट से निकाला जाता है। विश्व के कच्चे पटसन का सबसे ज्यादा प्रमुख उत्पादन बांग्लादेश करता है, उसके बाद भारत करता है। निम्न में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, देखिए तीनों राज्यों में लौह अयस्क का भंडार पाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो देखिए चीन और मंगोलिया है, तो सिर्फ अगर मंगोलिया अगर सिर्फ चीन कहते हैं तो गलत हो जाएगा, तो अगर PPSC इसका आंसर ई कह दे तो आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि केवल चीन नहीं मंगोलिया भी होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। वैसे राइट आंसर यहाँ के अनुसार ए होना चाहिए। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है, तो अंटार्कटिका में, भारत का रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में, दक्षिण गंगोत्री। आगे बढ़ेंगे, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अमेजोन नदी हो जाएगी। विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार, देखिए सबसे पुराना तेल भंडार असम का डिगबोई है, और इनमें से कोई सही नहीं है। फिर रियो अर्थ पृथ्वी सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में विश्व शांति शामिल नहीं है, ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ मामला था, इसीलिए आप इसको अलग कर सकते हैं। विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो चाइना है,
तो 39 का राइट आंसर, अगर देखिए दिए गए में से अगर पूछता है तो भारत आंसर होना चाहिए, लेकिन अगर ओवरऑल पूछता है तो चाइना होना चाहिए, तो राइट आंसर ई होना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। अगर दिए गए में से पूछता है तो भारत होना चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को एज ए रख सकते हैं बीपीएससी के लिए, आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अब यहाँ से आपका इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं, राइट। द इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट फॉर द कंपेयरिंग डेवलपमेंट बिटवीन कंट्रीज, तो वो इनकम होता है। द टर्शियरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, सर्विस सेक्टर कहते हैं हम टर्शियरी सेक्टर को। द एवरेज इनकम इज ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम, मनरेगा 2005 का ये 100 दिनों की गारंटी देता है आपको काम करने की। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाई UNDP हो जाएगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ दियर डिपॉजिट इज केप्ट एट कैश बाई द बैंक्स इन इंडिया, तो ये 15% होता है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन डिफाइंस द टर्म ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन जनरली हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक से जोड़ करके देखा जाता है, वैसे ये भी होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ कल्चर भी होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली हम ग्लोबलाइजेशन का मतलब जनरली आदमी समझ यहाँ पर समझा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज। विच राइट डज कंज्यूमर हैव राइट, कंज्यूमर हैव अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड एक्सप्लाइटेशन, तो ये हो जाएगा राइट टू इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ेंगे, इन विच ईयर डिड द इंडियन गवर्नमेंट इनैक्ट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था ये दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1986। विच एक्ट वाज पास्ड टू द इम्पावर इट्स सिटीजन टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट अबाउट इट्स फंक्शंस, तो ये RTI एक्ट था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। नेशनल कंज्यूमर डे ये कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। विच MNC बाउट ओवर अ स्मॉल इंडियन कंपनी परक फूड्स, तो कारगिल फूड्स खरीद लिया है इसको। अब थोड़े हिंदी वाले क्वेश्चंस भी कर लेते हैं इसमें। मनरेगा अधिनियम के बारे में लिखित में से कौन सा गलत है, तो 625 जनपद नहीं 708 जनपदों में आप काम मिल सकता है आपको, और एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार की है। यदि सरकार असफल होती है तो यह रोजगार भत्ता नहीं देगी, ये गलत है आपका, राइट आंसर सी हो जाएगा। लिखित में से कौन सा क्रेडिट शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है, तो डिपॉजिट नहीं आता है आपका। RBI के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, यह अनौपचारिक क्षेत्र की निगरानी नहीं कर सकता। RBI सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है, RBI ग्राहकों से जमा स्वीकार करता है, ये गलत है। 2016 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित देशों में से बेहतर मानव विकास निष्पादन देश कौन सा था, तो श्रीलंका था। वह स्थिति जब दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं चाहतों का दोहरा संयोग। भारत सरकार ने विश्व स्तरीय सुविधाएं देकर विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं, इन औद्योगिक क्षेत्रों को क्या कहते हैं, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है इनको। आगे बढ़ेंगे तो GDP की एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम सामान और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। RN मल्होत्रा कमेटी ये बीमा क्षेत्र से रिलेटेड है। भारत में काली क्रांति किससे रिलेटेड है, तो कच्चे तेल के उत्पादन से। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय ही कहता है कि क्या खर्च होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सारा चीज वही रखता है। भारत की नगदी फसल कौन सा नहीं है, देखिए जूट है, मूंगफली और जौ आपका नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा 21 का। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है, तो लोहे के निर्यात से कमाता है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था, तो हैरोड डोमर मॉडल था। लिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है, तो तिलहन नहीं है शामिल। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था दोस्तों, तो 1 जनवरी 2015 को आया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई थी, तो 1 फरवरी 2019 को। भारत का पहला विदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल, तो रुद्रम था, इनमें से कोई सही नहीं है आपका, राइट आंसर डी हो जाएगा, क्या था, तो रुद्रम था ये। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है, तो देखिए सर्वेक्षण करने का काम NSSO का है, और जारी कौन करता है, तो ये RBI नीति आयोग करती है। तो आप याद रखेंगे
अगर पूछेगा कि डेटा कौन कलेक्ट करता है तो NSSO, लेकिन निर्धारित कौन करता है तो इसी डेटा का इस्तेमाल करके नीति आयोग निर्धारित करता है। तो इसमें पूछ रहा है कि सर्वेक्षण कौन करता है तो NSSO करता है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है तो ये महाराष्ट्र में किया जा रहा है, वधावन नाम है उसका। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? देखिए ये प्याज उत्पादन से भी है, मीट और पोल्ट्री से भी है। तो पोल्ट्री का मतलब ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चिकन वगैरह हो, तो अंडा नहीं है उसमें, याद रखेंगे आप। ये प्याज उत्पादन से होगा यहाँ पर, और क्या होगा इसमें? इसमें मीट होगा और पोल्ट्री होगा। तो पोल्ट्री का संबंध अंडा से नहीं है, एक अलग होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? 2016 में। रॉबिन हुड प्रभाव किससे संबंधित है? तो रॉबिन हुड का प्रभाव जो था दोस्तों, 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा, आय पुनर्वितरण से है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र हैं। तो कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र प्राइमरी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो देखिए, रूस नहीं होना चाहिए, ये सोवियत संघ होना चाहिए, क्योंकि तब रूस नहीं था। तो अगर बीपीएससी इस क्वेश्चन का आंसर ई करती है तो आप चौंकिएगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि सोवियत संघ था उस वक्त। तो अब आप तय करिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए कि ए होना चाहिए, राइट? अब सोवियत संघ को ही रूस कहते हैं अब, लेकिन उस वक्त रूस नहीं था। तो अगर बीपीएससी ऑप्शन ई सही करती है तो आप चौंकिएगा नहीं, अगर ए भी करती है तो भी मत चौंकिएगा, क्योंकि सोवियत संघ का अभी रूस ही है। खुले बाजार की प्रक्रिया यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, देखिए दोस्तों ये मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है, इनमें से कोई नहीं होगा, राइट आंसर ई हो जाएगा। ये वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर लगाया जाने वाला कर, ये सीमा शुल्क के नाम से जाना जाता है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। अब चलिए आ जाइए पॉलिटिकल साइंस पर। तो द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? तो यूएसए से लिया गया है, राइट आंसर ई हो जाएगा। और एक बात याद रखेंगे, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज हिज पावर ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट आंसर ए हो जाएगा। व्हाट डज द एंटी डिफेक्शन लॉ सजेस्ट? तो ये क्या करता है? अमेंड किया था टू प्रिवेंट चेंजिंग पार्टीज, तो आप व्यक्ति को एक पार्टी से दूसरे पार्टी में न जाए, इसके लिए लाया गया था। द स्टेट्स हैविंग इंटर लार्जेस्ट नंबर ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम क्या हो जाएगा? तो देखिए, बिहार अगर असेंडिंग ऑर्डर पूछता है तो पहले बिहार आएगा, उसके बाद वेस्ट बंगाल आएगा, उसके बाद महाराष्ट्र आएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश आएगा। तो देखिए, इसमें से कोई भी ऑप्शन में बिहार पहले नहीं है, राइट? तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं होना चाहिए, राइट आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर पूछा है, बढ़ते क्रम में। तो ये वाला ऑप्शन अगर पूछता है डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम में, तो ये वाला सही हो जाता, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद वेस्ट बंगाल, और सबसे कम बिहार में। ये 80 है और महाराष्ट्र में 43 है, वेस्ट बंगाल में आई थिंक ये 41 या 42 है, और बिहार में 40 है, राइट? तो लेकिन ये असेंडिंग यानी कि बढ़ते क्रम में पूछा है, तो देखिए ये सही नहीं होगा। बढ़ते क्रम में पूछा तो बिहार को सबसे आगे होना चाहिए था, राइट आंसर ही हो जाएगा। हु सेड डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल? ये अब्राहम लिंकन का कथन था। वाई इज डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? क्योंकि यहाँ क्या होता है दोस्तों, डिसीजन मेकिंग होती है। जो डेमोक्रेसी होता है वो डिसीजन मेकिंग के लिए जाना जाता है। इट हैज इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। राइट टू एजुकेशन विच कम्स अंडर इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2010 कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट? तो सबका पता होगा कि राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 के बीच है, तो आर्टिकल 21A उसी में आता है, राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। चलिए अब हिंदी वाला पार्ट करते हैं, नहीं तो कुछ लोग गुस्सा आ जाएंगे भाई। किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए थे? तो 42वें संविधान संशोधन। भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया था? तो ये 1900 ये कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं है, 1950 में आया था, 28 जनवरी 1950 को आया था ये। इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं है, नहीं थे? तो तीनों के तीनों संविधान सभा के सदस्य थे, राइट आंसर ये हो जाएगा। लोक अदालत के बारे में लिखित कथनों पर विचार करिए, सस्ती न्यायिक सेवा है,
एकल पेशी पर विवाद निर्धारण करता है या त्वरित न्याय देता है, सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है। देखिए सेवानिवृत्त भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, यह एक सर्वोच्च न्यायालय है। हाँ, क्योंकि इसके डिसीजन को आप किसी में चैलेंज नहीं कर सकते। तो देखिए, तो केवल गलत, अगर आप देखिए ये सही स्टेटमेंट है कि सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है, ये सही है। सही इसलिए क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा गया है कि केवल सेवानिवृत्त, राइट। अगर कहता कि केवल सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है तब गलत हो जाता, ठीक ना। तो इस हिसाब से देखें तो आपका 1, 2, 3 और 5 आंसर होना चाहिए था अगर ये गलत होता तो। इसलिए कोई भी ऑप्शन इसमें से सही नहीं बैठता है क्योंकि सारे स्टेटमेंट सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? तो वित्तीय मामलों से संबंधित है या केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है या केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, यह तो गलत है। इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है। लेकिन क्या प्रमाण पत्र की जरूरत का क्या मतलब है, यहाँ पर आपको देखना होगा। अब कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है तो इसका डिसीजन तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही करता है। तो देखिए 1, 2 और 4 ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। बेसिकली आप देखेंगे ऑप्शन सी गलत है, तो सी तीनों में है तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन ई सही होना चाहिए। विश्व के किस देश का 1948 से लेकर के 89 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरफ पालन किया गया, तो ये साउथ अफ्रीका था। आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की थी? तो 27% आरक्षण की संस्तुति की थी, राइट दोस्तों। आगे बढ़ेंगे तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, प्रत्येक स्थायी सदस्य के पास वीटो है, सही है। IMF और विश्व बैंक की निधिकरण एजेंसियां हैं। देखिए ये फाइनेंसिंग एजेंसी नहीं है, अगर आप कहेंगे तो फाइनेंसिंग, ये फाइनेंस करती है, इसके सदस्य देशों को लोन देने का काम करती है, ठीक है। तो कौन सा कथन असत्य के बारे में अगर हम बात करेंगे तो IMF और विश्व बैंक इसके पार्ट तो है ही और ये लोन देने का काम करती है, तो कह सकते हैं कि फाइनेंसिंग एजेंसियां हैं, तो सभी सही हो जाएंगी। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है? तो आर्टिकल 32 कहलाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इनमें से कोई नहीं होगा, राइट आंसर ई हो जाएगा। चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है? तो देखिए तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी, अब पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं, प्रतिभारित का क्या मतलब है कि कदाचारों के खिलाफ है। तो देखिए दल और संगठन द्वारा लोक समर्थन में विश्वास करना, तो ये कदाचार में आप इसको शामिल नहीं कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका राइट आंसर सी कर सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको, मैं इसमें सर्टेन नहीं हूँ, आप इसको आप BPSC के लिए छोड़ सकते हैं। कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? तो आर्टिकल 29 है, प्रमोशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस। तो इनमें से कोई नहीं होगा, राइट आंसर यू हो जाएगा आपका। आगे बढ़ेंगे तो संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसमें 300 से अधिक सदस्य थे, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई थी, ये भी गलत है। 1935 के अधिनियम से बहुत से विवरण और विधियों का अधिग्रहण किया है, तो तीसरा सही है। तो एक से अधिक आंसर गलत है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है, सही है। सत्ता विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की जाती है, भी सही है। प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में शक्ति बंटवारे की आवश्यकता होती है, भले ही वह छोटा हो या सामाजिक विभाजन न हो, तो तीसरा भी सही है। तो कोई भी गलत नहीं है, तो राइट आंसर ई हो जाएगा। लिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल तत्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका सभी आपका बेल्जियम मॉडल पे आधारित है, राइट आंसर ई हो जाएगा। लिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? तो आपका फॉरेस्ट समवर्ती सूची का पार्ट है। सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था? तो इस 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1956। निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? ऑब्वियसली चीन में होगा। आगे बढ़ेंगे तो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? तो सभी लिंगों के लिए समान वेतन। निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं निभाई जाती है? तो राजनीतिक दल देश के लिए कानून नहीं बनाते बल्कि सरकारें बनाती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे तो महात्मा गांधी कहा करते थे कि धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, तो राइट आंसर बी हो जाएगा।
एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य के विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 6% वोट हासिल करना जरूरी होता है। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। लोकतंत्र भ्रष्टाचार रहित है, ये तो गलत हो जाएगा। लोकतंत्र अनियमित है, ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही है, आप इसको सही मान सकते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? तो ये स्विट्जरलैंड हो जाएगा आपका। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर के स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो उसको हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो काली शक्ति यानी ब्लैक पावर आंदोलन, ये 1960 से 70 के दशक में हुआ था, 1966 के आसपास। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो आर्टिकल 324 है। लोकसभा में प्रथम महिला सभापति मीरा कुमार थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित है। किस वर्ष भारतीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया? तो देखिए 1993 में किया गया था। कोई भी ऑप्शन सही नहीं होना चाहिए यहाँ पर। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होते हैं? तो देखिए ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? तो ये वित्तीय आपातकाल घोषणा करने का अधिकार है। राइट दोस्तों, तो ये था आपका सोशल साइंस बिहार टीचर के द्वारा जो जारी किया गया था। आज इसका एग्जाम हुआ है 26 तारीख को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना स्कोर प्लीज़ कमेंट में बताना ना भूलें कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। बाकी हम अगले कुछ वीडियो में बात करेंगे कि कट ऑफ कितना रहने वाला है, कितना नहीं रहने वाला है। राइट दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।